यहाँ पर मैच भी हुआ था इंडिया का। नीचे चलने के जाने के लिए नहीं, हम लोग मैं तो बचपन में यहाँ पर आता था, मैं ऊपर था। देखिए मैं नीचे चल कर आया हूँ यहाँ से। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर, मेरे पार से भी बदतर हो गया इतना। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ पटना के सबसे बड़े स्टेडियम में, जो मतलब था समझिए अब नहीं है, मोनोलॉक स्टेडियम, जिसका आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर क्रिकेट भी हो चुका है बहुत साल पहले, अब मैं दिखाता हूँ ये कैसा बदल चुका है। तो ये गाइज वो देखिए वही स्टेडियम, यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी, आपको शोर गूंज रहा होगा मेरे तो कानों में अभी तक आ जा रहा है। उस साइड से पेड़ पर लोग चढ़ कर क्रिकेट देख रहे थे, यहाँ पर इंडिया का मैच हुआ था, बहुत ही भीड़ था, देख लीजिए इतना। ये जो आप लोग घास वगैरह देख रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं था पहले, अब पूरा आप लोग देख रहे हैं घास का मंजर हो चुका है। और ऊपर आप लोग चलिए, मैं थोड़ा और पास ले जाकर दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर पूरा एकदम भीड़ लगता था, पब्लिक का एक भी जगह आपको नहीं मिलेगा खड़ा रहने का, पूरा भीड़ लग जाता था। यहाँ से लोग मैच देखते थे, और कितना स्पेस लिया देख रहे हैं आप लोग, वो रहा नंबर बोर्ड जहाँ पर मैच का रन स्कोर शो करता है। तो जहाँ पर मैच का रन शो करता है वो रहा, मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए ये। तो बहुत साल से गाइस ये बंद है, लॉकडाउन नहीं उसके पहले से एकदम बंद हो गया, और देख रहे पूरा झाड़ी यहाँ पर आ गया। नीचे चलने के जाने के लिए नहीं, हम लोग मैं तो बचपन में यहाँ पर आता था, तो यहाँ पर झाड़ी हो चुका। और ऊपर बड़े लोगों की जो VIP होता है सीट, वो वहाँ पर था ऊपर, वहाँ पर बैठ के देखते थे। मेरे को तो ये समझ यकीन नहीं, जो घास जैसा हो गया है, पता नहीं सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती है। देख लीजिए पूरा एकदम घास वाला मंजर हो गया, और सब कुछ एकदम पूरा ये बंद हो चुका है, स्टेडियम समझिए एकदम समाप्त ख़त्म हो चुका है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, बहुत साल के बाद यहाँ पर मैच भी हुआ था इंडिया का। ये गाइस वो स्टेडियम, मोनोलॉक स्टेडियम, जो पटना का सबसे बड़ा स्टेडियम था, अब तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। देख रहे आप लोग नीचे पूरा घास वगैरह भर गया है, ऐसा मतलब स्टेडियम क्या है, क्यों ऐसा हो गया कि एकदम घास वगैरह भर गया। यहाँ पर क्रिकेट भी अब लगता है नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, गेट वगैरह सब जगह से लॉक है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं पूरा घास एकदम, पूरा हर जगह घास आ चुका है, और गेट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। नीचे भी मैं आपको जाकर दिखा भी नहीं सकता हूँ कि गेट पूरा सब लॉक है, ताला चाबी पता नहीं कहाँ गया। और पूरा ये मंजर, यहाँ पर मैच हुआ करता था, बहुत सारे मैच होते हैं, और पटना में लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी यहाँ पर आकर खेलते थे, अब तो वो भी नहीं रहा, वो भी बंद हो चुका है। मैं कोशिश करता नीचे जाने का, बट एकदम पूरा ख़त्म हो चुका है, ये सांप वगैरह ना इस पर डर लगता है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ नीचे जाने का, चलिए तो नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाता हूँ आप लोग को। मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ VIP के लिए था, तो ये भी बंद हो चुका है, पूरा स्टेडियम ये समझिए ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, आप लोग देख रहे हैं, देखिए कैसा हाल हो चुका, कितना बदतर हो चुका है, पूरा घास आ गया है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको फिर से बनाना चाहिए, नया करना चाहिए, क्योंकि सबसे बगल में मोनोलॉक स्टेडियम है पटना का, जो भी यहाँ पर आ सकते खेल सकते हैं। देखिए बड़ा कितना ग्राउंड है, मैं ऊपर था, देखिए मैं नीचे चल कर आया हूँ यहाँ से, घास कितना भर चुका है, मेरे को तो डर भी लग रहा है भैया, पर सांप उपना हो, देख रहे हैं गड्ढा वगैरह चूहा ने कर दिया कि सांप ने किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट पूरा अड्डा बन चुका है यहाँ पर चूहा है सांपों का, ये मेरे को डर भी लग रहा था, बहुत गड्ढा है यहाँ पर। तो आप लोग भी देख लीजिए कितना मन भयंकर ये देखने में लग रहा है, मतलब क्या बोले यार, कोई फिल्म का सीन हो गया, वो आपने देखा होगा एलियन वायरस फैल गया है दुनिया में, तब वैसा हो जाता, वैसा हाल हो गया। देख लीजिए पूरा यहाँ गेट पर भी देखिए क्या आ गया भाई, पत्ता उत्ता पूरा आ गया एकदम सड़ा हुआ, अच्छा जाली जाली ऐसा बोलिए, जाली जो भी है, क्या बोलूँ मैं तो, मूड ख़राब हो गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, और थोड़ा डर भी लग रहा है सांप वगैरह का, गड्ढा क्योंकि हर जगह है। तो स्टेडियम कहा तो पूरा समझिए बुरा हो चुका, पूरा ख़त्म हो चुका है। और मैंने आपको जूम करके देखा, इधर स्कोर बोर्ड भी था, देखिए ये सब था स्कोर बोर्ड, वहाँ भी एक स्कोर बोर्ड है, तो स्कोर बोर्ड देख रहे कितना बड़ा इस पे स्टेडियम है, देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए आप लोग, ताला लगा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर से जाने का था, पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है हमेशा के लिए समझिए, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होता। लेकिन इतना साफ गार्डन अभी भी लगता है, इसको केयर किया जा रहा है, अंदर तो देखने में लग रहा है केयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट अब खेला नहीं जाता है, और यहाँ पर सबसे क्रिकेट भी हो चुका है,
बाहर से इंडिया से लोग, बाहर के इंडियन जो बाहर खेलते हैं मुंबई दिल्ली दुबई जाकर वहाँ, या वो यहाँ पर हुआ था मंजर। पता नहीं आप लोगों को यकीन हो रहा है, मेरे को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, इतना भयंकर हो चुका है मंजर पूरा। उधर भी देखिए घास भरा हुआ था, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए स्कोर बोर्ड ये सब के पास पूरा घास देखे आ गया है। इधर भी हो गया, उस साइड तो बोले मैं गेट बंद है, मैंने उधर भी आपको जाके दिखाता, बट ये पूरा खत्म हो चुका है। जंगली घास इसको बोल सकते हैं आप लोग, जंगली घास। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, आप लोग बताइए गाइस। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर मेरे को खड़ा होने में, आवाज़ वगैरह आ रहा है, चूहा है कि सांप पता नहीं। तो वहाँ पर से आप लोग यहाँ अलाव नहीं मिलेगा, परमिशन लेके बहुत मेरे को आना पड़ा। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को अलाव नहीं मिलने वाला आने के लिए, बहुत परमिशन लेना पड़ा तब मिला अंदर जाने के लिए, और बहुत ही धूप है। तो आप लोग तो देख रहे होंगे कितना पूरा एकदम जंगली झाड़ी यहाँ पर आ चुका है, पूरा पेड़ पौधा ग्रीन हो चुका है, लग रहा है कि ये स्टेडियम नहीं किसी पार्क में है, पार्क से भी बदतर हो गया, इतना कटिंग करके भी रखा जाता है, लेकिन पूरा स्टेडियम समझिए पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर बहुत खेल हो चुका है, बहुत लोग खेले यहाँ पर, ये सब झाड़ी वगैरह हटा कर इसको फिर से सही करना चाहिए खेलने के लिए, इसको दोबारा कि प्लेयर आकर खेले, प्रैक्टिस करने के लिए बाहर है बट यहाँ पर ही आके खेले तो अच्छा लगे। तो जब गाइज यहाँ पर इंडिया का मैच हुआ था तो पेड़ पर गाइज पब्लिक, इतना जगह नहीं था, बैठने का जगह नहीं था, पेड़ पर पब्लिक वहाँ पर चढ़ के देखते थे मैच, और पेड़ पर चढ़ के मैच देखते थे हर जगह से, जहाँ भी पेड़ आपको दिख रहा है वो पेड़ हमेशा से उधर साइड था, वहाँ पर पेड़ पर चढ़ के लोग यहाँ पर मैच देखते थे। तो ये गाइज स्टेडियम के बाहर का, देखिए यहाँ पर खेलने के लिए, यहाँ पर भी खेला जाता है, देखिए ग्राउंड है, यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड है, यहाँ से वहाँ आगे तो आप लोग देखिए प्रैक्टिस ग्राउंड है, राणा क्रिकेट क्लब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड और प्रैक्टिस होता है, पर फ्री में नहीं, पैसा देना पड़ता है। मेट्रो काम चल रहा है तो मैं इस पर व्लॉग बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा मेट्रो काम कैसा चल रहा है, इसका एक और व्लॉग आएगा। तो यही इसी के अंदर हम लोग गए थे, ये मोनर के स्टेडियम का बड़ा सा एंट्री। तो चलिए फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय।